जैसा हमारे गांव में स्कूल है, ऐसा ही हर जिले में बनना चाहिए, हर शहर में गांव-गांव जाके सरकार द्वारा यही होना चाहिए। बहुत अच्छी एजुकेशन दी जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, किताब कॉपी खाना पीना टीचर्स भी बहुत सुधार हुआ पहले से। तो गांव के बच्चे पहले कहाँ जाते पहले थे सब पढ़ने? बच्चे प्राइवेट कॉलेजों में जाते थे बाहर, अब सब गांव में शिक्षित किए जा रहे हैं। अच्छी एजुकेशन है और भी सब कुछ सिखाया जा रहा है स्कूल में। हमारे साथ हैं खुर्जा विधायक विजेंद्र सिंह। हम जानेंगे उन्होंने जिस गांव को गोद लिया था उसे वो कितना बदल पाए हैं और वहां क्या परिवर्तन आए हैं। उस्मापुर लिया था गोद और उस्मापुर गांव में मैंने स्कूल जूनियर हाई स्कूल भी और प्राइमरी पाठशाला भी मतलब उतना उसमें काम किया है कि उसमें आप अब देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि पिछली स्थिति देखते हुए अब स्थिति उनकी बहुत अच्छी और बहुत बेहतर है। बहुत उनमें पैसा लगाया है और बहुत अच्छा उसमें कार्य किया है। क्या विधायक जी आपको लग रहा है कि अभी और भी कुछ गुंजाइश है विद्यालय में कराने की? नहीं, गुंजाइश तो होने को तो होती रहती है, कुछ ना कुछ काम निकलता रहता है, लेकिन फिलहाल इतना कुछ करा दिया है कि आगे को इतनी गुंजाइश कुछ उसमें है नहीं। आप देखेंगे स्कूल तो उसको आप देख के भी ये कहेंगे कि भाई स्कूल ऐसा होना चाहिए, प्राइमरी पाठशाला और जूनियर हाई स्कूल के जिस स्तर से इन्होंने ये काम कराया है, अगर इसी स्तर से और गाँवों में भी सारे में ये काम किए जाएँ और ये काम देखे जाएं तो आगे को आने वाले समय में ये मैसेज जाएगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्कूलों पे ध्यान दिया है, प्राइमरी पाठशाला पे ध्यान दिया है, जूनियर हाई स्कूलों पे ध्यान दिया है और इसमें बहुत सुविधाएं बेहतर हुई हैं। आपका ईटीवी में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमने जाना और विधायक जी ने बताया कि जो भी गुंजाइशें थीं और जिस तरह से इन्होंने स्कूल के लिए काम किया है उसके बाद अब इन्हें नहीं लगता कि उसमें और कहीं सुधार हो सकता है। हालांकि अब विद्यालय काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुंच गया है। तो बुलंदशहर से ईटीवी के लिए मैं श्रीपाल तेवतिया।